क्वेश्चन, ये बता तेरा हमारे तेरा मेरे बिना नॉट हमारे मेरे बिना दिल कैसे लगता है? तभी तो तुम्हें कह रहा तू भी आ जा यहाँ पे फटाफट। मुझे अच्छा नहीं लगता वचन वहाँ से आ गया ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब तू आ जा ना फिर। और ये जब वहाँ रहता था मैं से कम फोन करती थी, लेकिन ये जब से वहाँ से आ गया ना तो मैं से ज्यादा फोन करने लग गई हूँ। अच्छा है फिर दूरी रह, तू फोन तो करेगी अब मिलने भी आएगी इसी बहाने। अब घर कितना अच्छा यार, ये वाला घर देखो ये पूरा फ्लोर है। हाँ अब मुझे पता नहीं क्यों अब ऐसा लगने लग पड़ा है ना कि क्या नाम है, अब वो दूर चला गया है, पूछ लेती हूँ क्या कर रहा है, मेरे पति जा रहे हैं। वचन तुझे नहीं लगता? नहीं तुझे नहीं लगता? आ जाओ, मुझे फोन नहीं करता ना इससे पूछ। ये झोपड़ी बना ले अपनी, इसी खाली ये है। ये खाली प्लॉट खाली है ना, ये मैं अपने नाम करवाऊंगी ये प्लॉट इसी सोसाइटी का। तू एक नीचे तू बना ले, नीचे मैं बना लूं, ऊपर तू बना लियो। अच्छा मैं नीचे क्यों नहीं, मम्मी है ना भाई तो इसलिए। अच्छा तू ऊपर, फिर उस ऊपर छत पे पूरा हम अपना ना जिम स्विमिंग पूल सब बना लेंगे। नमस्ते आंटी, लोबड़ी फलूदा बेल निकाल के आई है, लोबड़ी फलूदा चम्मच खोला तो उसमें एक डिनर सेट था मेरे पास, उसमें ऑरेंज कलर के थे। अच्छा नहीं मैं डुबू की बर्थडे मैंने पूरा पैकेट लगाया हुआ था वो दे रही थी, अब एक दिन से जल रहा है खा के आई है तो वेलू ले आती है अंकल तो आप खाया भी नहीं जा रहा था मैं भूल गई अंकल मुझे ध्यान, मुझे हमारा प्लान था यहाँ आने का, बाइक वही गेट के बाहर खड़ी थी, उधर से कहा कि चल चल हम गुस्सा सोनिया ने ना लोग में डाला हुआ था कि हमने खा, आज मेरा डिनर बाहर है, देखती है ना तो नहीं आंटी वो पापा के साथ है, उसके अंदर नाखून निकल गया, दिखा नहीं थी पूरा पूरा ही चमड़ा कर पूरा नाखून ही घुट गया और खून खून हो गया था, फिर सुबह ही मैंने उसको पट्टी वट्टी करा के अच्छे से बनवाया उसको, उनका गर्मी पानी ठंडा लगा उसे टॉयलेट नहीं ठीक पड़ता है, मम्मी आप उधर सो जाओ, सर मैं सो गई जैसे कपड़ा नहीं पड़ता पड़ो परफॉर्मेंस मतलब अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, उच्च कैटेगरी का है परफॉर्मेंस। मुझे अब ये कह रहा है कि देखिए तूने बहुत अच्छी खुशबू आ रही, बहुत अच्छी खुशबू आ रही, मैं ऐसे थोड़ा सा आगे हुई ना तो पीछे से हुई, मैं तुरंत से फाट मार रही हूं, पागल है तू, मैं तेरे पीछे खड़ी हूं। वचन को शरम आ रही है। हाँ आंटी एक ये दिखाया और आगे सर बताया था, पता नहीं कौन सा था और कौन सा था। आंटी सबको आप धन्यवाद तो बोल दो, सबने आपको बहुत अच्छा बोला, सबने बधाइयां दी आपको नए घर का, सबको बहुत 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 थैंक यू सबको। और सबने ये भी बोला वचन की मम्मी पापा बहुत स्वीट है। इस हफ्ते अंकल जी को ज्यादा जल्दी में इसी हफ्ते आ जाओ, जल्दी इसी में ना कम से कम सैर सपाटा तो होगी थोड़ी बहुत।
दोनों चाय बनी हुई आंटी आप परेशान हो जाओगी। मैं हाँ ये आ जाएगी ना चाय बनाएगी ना कुछ बनाएगी बोलेगी चलो आंटी बनाई है आंटी चाय पीती हो मैं भी नहीं पीती हाँ मैं चाय का इसकी चाय में हमारी चाय में बहुत फर्क है वैसे इसकी सोनिया की चाय बनती देखी थी मैंने मेरा मन किया मैं वहीं जा सकती हूँ ऐसा तो मेरा मन कर रहा था पीने की तो फिर मेरे हाथों से आप देख लेंगे तो फिर क्या होगा चाय छोड़ देंगी फिर नहीं मजाक कर रहे हो कि सीरियस बोल रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ नहीं सीरियस बोल रहे हो नहीं नहीं मजाक कर रहे हो पानी बहुत छोटी उम्र का था हरिद्वार से एक लड़का आता था ममता का जान पर अच्छा नहीं रुकता था तो हमारे चावल लेके जाता था गाड़ी लेके जाता था आज अभी कहीं कहते दीदी प्रशांत की ना बाजार में खाने से ना एकदम उसकी किडनी फेल होगी और मेमोरी लास्ट हो गई भूल जाता बाजार में खाना बंद रहो नोएडा में फैक्ट्री थी बच्चे की छोटा सा बच्चे है दो छोटे छोटे उनको इतना दुख सा रहता ना अभी कहते बच्चे बाजार का सब अच्छा नहीं है तुम लोग आज खा लो ये तो दो आज लास्ट है आज के बाद नहीं खाना पता चलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में फिर दिखोगे ममता कौन बबीता मासी अच्छा सोनिया की दीदी कभी कभी सब्जी की शक्ल देखती ना तो मेरा मन करता है मैं खा लूं बहुत अच्छी बनाती है आती है तो कभी आती तो है नहीं कितनी बार तो मैंने बोला आए हो तो आओ घूमने के लिए मार खाना क्या है छड़ी लगाओ दो तीन आंटी बताइए आप कुछ बोल रही थी थैंक यू सबको बहुत बहुत थैंक यू आप सब सदा सुखी रहो खुश रहो स्वस्थ रहो जहाँ भी रहो खुश रहो मेरी दुआएं आपके साथ और बिहारी जी की ऐसी कृपा सब पे बनाए रखें बिहारी जी बस बिहारी जी है सब कुछ श्री जी है तुम आर्मी बन जाएगी तुम्हें तुम कह रहे आ जाओ यहाँ पे तुम तो आने लियो अंकल तुमको रहना अपने प्यारे भैया के पास अंकल बोल दो थैंक यू बोल दो धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे व्यूज पढ़े ओह माय गॉड पढ़े कितने व्यूज हमारे लिए बोला कर दो नहीं मेरे पास ऐसे करते कट डायरेक्टर में लेके आता रुक जाओ कट नहीं अंकल जी आपको लोगों ने बहुत बोला है कि वचन के पापा बहुत अच्छे उनकी मम्मी बहुत अच्छी है वर्ल्ड के सबसे अच्छे मम्मी पापा है अभी पढ़कर दिखा जाऊंगी मैं झूठ नहीं बोलती हूँ बहुत सारे कमेंट आए 50 अगर 100 कमेंट आए तो 100 में से इसी बात पे भजन हो जाए अंकल एक गाना हो जाए पूरा 80s या 90s का हो जाए बढ़िया सा कुछ बहुत दिन हो गए कुछ पापा नहीं बना ये तो सच वाला लाए हो तुम यार सब लोग ना शांति बना के रखो चुटकी बजा के रखो अंकल मूड बनाओ पिछली बार मूड नहीं बनाए थे मूड नहीं बन रहा है मूड नहीं बन रहा है अंकल का हम जा रहे हैं अपने बड़े सीट पे बैठने बिग बॉस वाली सीट पे बैठने आधा घंटा अच्छा निकालने फिर जा रहे हैं उसके बाद बैठते हैं नहीं रुक जाओ 5 मिनट रुक जाओ नहीं नहीं निकल रहे हैं हम लोग अरे निकल रहे हैं नहीं नहीं आंटी मेरा मैंने कर जाएगा चाय से कहां डाजेस होने वाला है वो ला के रखते हैं अंकल का मूड बन रहा था गुनगुना रहे थे सोच रहे हैं कौन सा गाना गाऊं मैं साथ दूंगी आपका बढ़िया सा बताइए जब अंकल ऐसे सोचते ना तो मुझे
मिश्री का फोन प्यार नगमा मोजो की रुहानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आंटी ने भी साथ दिया, बड़ा अच्छा था। बोल रहे थे उधार है नदियों की, हाँ उधार है नदिया की, हाँ हाँ। जा रहे वचन, वचन जल्दी निकलो, दुबई से कितने प्यार से देखो देखो भाई लोगो देखो, ये दुबई से आया है, लेकिन आने में टूट गई है और मेरे ऊपर ही गिरा करके, गिरा हल्का सा, जान में तोड़ा ये। अरे दिखाओ तो सही, तोहफा दिखाओ तो, इसमें लिखा हुआ दुबई से, ये लड़का दुबई गया था जब जल्दी श्रीलंका भी जाएगा। और ये क्या है, ये क्या है, ये भी दुबई का वो है, एफिल टावर। अच्छा एफिल टावर नहीं है, हमने देखा नहीं कभी, है तो एफिल टावर, वो कौन सा है, बुर्ज खलीफा, अरे वही वही आईफिल टावर पैरिस में, सॉरी मैं भूल गई थी क्या, बुर्ज खलीफा कोई बोल रही थी, मैं भूल गई थी यार, सारे बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे हैं दुबई के बारे में, इतनी नॉलेज दे रही है, अगर आपको फिर मैं लेके जाना चाहिए तो ले जा सकते हैं, मैं पति छोड़ के चलूंगी, एक हफ्ते घूम के आएंगे, बोल बोल। जैसे अभी अफगानिस्तान में लटक के जा रहे थे ना, वैसे ही लटक के जाएंगे अभी। इधर रख दो ये डुगू का गिफ्ट है, डुगू पता डेली ना इतने सारे कप मेंटी उनमें नहीं पी रहा, उसको लग रहा है इसने दिया उसको कुछ अलग सी बात है, उसी में पीता है। और उसमें किसी और का कुछ नाम लिखा हुआ है, सबको जाके कह रहे ये ना ये वचन मामा ने दिया है, देखो मैंने इसे मेरा नाम भी लिखा हुआ है, मैंने कहा तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारा नाम कैसे शुरू होता है कहाँ से खत्म होता है, कह रहे आपको पढ़ना नहीं आता मम्मा, देखो ना मेरा नाम लिखा हुआ है, मुझे इसी में दूध दिया करो, वो भी चॉकलेट दूध दिया करो इसमें, वो डेली पता नहीं उसी को उसी में घोलता रहेगा और कुछ नहीं मिलेगा तो उसमें पानी डाल के फ्रिज में रख देगा, वचन मामा का प्यार, उसको लग रहा है कुछ अलग, मतलब गिफ्ट मिला कुछ अलग है। चलो भैया अपने घर नहीं चलना आज, मुझे पसीने नहीं आते, चलो फिर चलते हैं, रोड पे 11:30 हो रहा है, आगे पीछे वाला देखेगा नहीं हुआ क्या, शुक्र है पवन ने नहीं मारा, बड़े गंदे तरीके वाला मारा, आज पवन वही रहेगा क्या दीनिया, नहीं नहीं तो कब आएगा, इतनी तो रात हो रही है, अभी खाना भी नहीं खाया, आज बाहर खा के आ गया है ना, वो भी पता नहीं, चलो फिर, चलो फिर अंकल जी बाय बोल दीजिए, सबको बाय बोल दीजिए, बाय, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए बाहर आए, नया घर लो।
आप आए और बाहर आई। चलो चलो चलिए ठीक है आंटी, नमस्ते। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे आधी रात को। अच्छा तो हम चलते हैं। वाओ बाय बाय।